आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लासेस दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 21 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का व्यावसायिक अध्ययन का पेपर है। लगातार मैं आपको क्या है तैयारी अब करना स्टार्ट करा दूंगा। ओके, तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको दो अंगी महापुरुष बता चुका हूँ। आई होप दोस्तों आपने तैयार कर लिए होंगे। वीडियो में लगातार आप लोग कह रहे थे सर दो अंगी महापुरुष ने क्या उत्तर बता दिए, तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है दो अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, साथ ही उत्तर के साथ देखेंगे समझेंगे। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे। तो दो अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न की महा मैराथन होने वाली है। ये पार्ट एक है, पार्ट वाइज पार्ट में आपको दो अंकीय, फिर तीन अंकीय, चार अंकीय, साथ ही हम क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लेकर चलेंगे। ओके, तो मैं आप लोगों के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा व्यावसायिक अध्ययन क्लास 12th व्यावसायिक अध्ययन के। ओके, बिजनेस स्टडीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से, तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से आप वीडियो देखते रहिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं दो अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो खुद की तुलना दूसरों से क्यों करें जबकि ताकत और कमजोरी क्या है सबकी अलग अलग होती है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रबंध में कुशलता से क्या अभिप्राय है। ओके, तो आंसर आपको क्या लिखना है, कुशलता का अर्थ है कार्य को सही ढंग से न्यूनतम लागत पर करना। इसमें एक प्रकार का क्या लागत लाभ विश्लेषण एवं आगत तथा निर्गत के बीच संबंध होता है। यदि कम साधनों यानी आगत का उपयोग कर अधिक लाभ यानी निर्गत प्राप्त करते हैं तो हम कहेंगे कि हमें क्या है क्षमता में वृद्धि हुई है। ओके, आगे देख लेते हैं। बहुत ज्यादा दूसरा इंपॉर्टेंट है कि प्रबंध को क्या है सार्वभौमिक है, ये स्पष्ट कीजिए। मतलब ये वाक्य है, इसको आपको स्पष्ट करना है कि प्रबंध क्या है सार्वभौमिक। ओके, तो प्रबंध संगठन के सभी स्तरों पर, स्कूल में, घर में, धार्मिक स्थलों पर, व्यवसाय उद्योगों व व्यापार कार्यालयों, आपका संस्थानों, परिवहन आदि सभी जगह क्या है प्रबंध होता है। हर जगह कुछ कहीं भी जगह हो प्रबंध आवश्यक होता है। ओके, प्रबंध हर जगह पाया जाता है। ओके, तो प्रबंध के बिना क्या है कोई भी कार्य या बिना कार्य एवं परिणामों की आशा करना व्यर्थ है। मतलब प्रबंध के बिना कोई भी कार्य बड़ा से बड़ा कार्य नहीं किया जा सकता, छोटे से लेकर बड़ा कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता प्रबंध के बिना। ओके, इस प्रकार प्रबंध की उपलब्धता है सार्वभौमिक। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं प्रबंध की उपलब्धता है सार्वभौमिक। ओके, नेक्स्ट है विमुद्रीकरण के कोई दो प्रभाव आपको बताने हैं। तो विमुद्रीकरण से क्या आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद में कमी आई है। साथ ही 500,000 रुपए के नोटों में क्या है पाबंदी से क्या आतंकवाद के वित्तीय स्रोत पर भी क्या है चोट लगी। ओके, नकली नोट के रद्दी हो गए हैं, अवैध रूप से जमा कैश बेकार हो गया है, आतंकी संगठनों में अवैध रूप से प्रयुक्त हो रही भारतीय मुद्रा का पर क्या लगाम लगी। हुए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आंसर हैं जो क्या है आपके दैनिक जीवन से हैं और जिन्हें आपके नॉर्मल रखने की बात नहीं, केवल पढ़ लेना है, समझ लेना है और आप क्या है फिर अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। जैसे निजीकरण के कोई आपको दो लाभ बताने हैं, तो निजीकरण के लाभ क्या है, निजीकरण के फायदे को हम इस तरह बता सकते हैं जैसे सार्वजनिक कंपनी का बाजार का एकाधिकार होता है, प्रतिस्पर्धा नहीं होने के कारण कई बार क्या गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता, वहीं निजी क्षेत्र में क्या है प्रतिस्पर्धा होने के कारण क्या है गुणवत्ता पूरा ध्यान दिया जाता है। इसके साथ ही क्या कंपटीशन के कारण क्या है सस्ता माल और क्या है सेवाएं दी जाती है। नियोजन से क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलाप के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन कहलाता है, मतलब प्लानिंग। ओके, किसी भी चीज को हम कोई फंक्शन करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, ओके, तो हम क्या है उसका पहले प्लानिंग करते हैं, जिसे हम कहते हैं जिसे हिंदी में कहते हैं नियोजन। ओके, प्लानिंग से आप बहुत भरी बात ही परिचित होंगे। ओके, नियोजन आपको क्या है थोड़ा बड़ा शब्द लगता हो क्योंकि आप नॉर्मल लूज में पढ़ते नहीं, अपन यूज नहीं करते। ओके, प्लानिंग जैसे अपन यूज करते ही शब्द। ओके, तो वही जो प्लानिंग को ही क्या हमने नियोजन कहते हो। व्यू रचना से क्या है, तो व्यू रचनात्मक प्रबंध आपका औपचारिक प्रबंध प्रक्रिया है। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है क्योंकि संगठन के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तर्कसंगत एवं क्रमबद्धता कदमों का उपयोग किया जाता है। व्यू रचनात्मक प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, संगठन में व्यू रचनात्मक कार्य उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा ही किया जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठन से क्या है। ओके, इसी बार से बिल्कुल आसान है, मैं भी दो अंगीय महत्वपूर्ण आपको वीडियो डाली दी है, उसे भी देख लीजिएगा अच्छे से, उसमें पहले पूरे मैं आपको दो अंगीय महत्वपूर्ण बताएं, लगभग ऐसी आपकी परिभाषा संगठन क्या है, नियोजन क्या है, प्रबंध क्या है, रेखा संगठन से क्या है। ओके, इस प्रकार से आता है दो नंबर में। ओके, इसी प्रकार से आपको लिखना है संगठन क्या है। तो ओके, यह संगठन से क्या है, तो वह सामाजिक व्यवस्था या युक्ति जिसका लक्ष्य एक होता है, जो अपने कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वयं का नियंत्रण करती है तथा अपने पर्यावरण से जिसकी अलग सीमा होती है। संगठन तरह तरह के होते हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, आपने सुना है सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, आर्थिक संगठन, सैनिक संगठन, ये सब बताए गए। ओके, जैसे रेखा संगठन क्या होता है, जैसे क्या है, तो रेखा संगठन वह सत्ता एक रेखा के रूप में प्रवाहित होती है, इसमें आदेश की एकता का सिद्धांत लागू होता है, इसमें किसी भी कर्मचारी अधिकारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्त होता है। मतलब जैसे क्या है संगठन है कोई, मान ली 10 लोगों का एक समूह बना, उसे हम कह दिए संगठन। ओके, तो जिसमें एक ही लीडर होता है और एक ही लीडर का जो आपका आदेश है वो सबको मानना पड़ता है, मतलब एक ही रेखा में काम हो रहा। ओके, तो आएगा वो कहलाएगा आपका रेखा संगठन। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे पूछे जा रहा हमसे नियुक्तिकरण से क्या है नियुक्तिकरण। ओके, तो नियुक्तिकरण का अर्थ है किसी संगठन में मानवीय संसाधनों की नियुक्ति या विकास के प्रबंधकीय कार्य से है, जो एक संगठन में अनेक प्रबंधकीय और गैर प्रबंधकीय क्रियाएं करते हैं।
इसके अंतर्गत मानव शक्ति की आवश्यकताओं का निर्धारण तथा संगठन के विभिन्न पदों पर लोगों की भर्ती, प्रशिक्षण एवं विकास सम्मिलित होगी। मतलब नियुक्ति से क्या आशा है, लोगों की भर्ती करने से आपका क्या नियुक्ति कहलाता होगा। ये है आपका नेक्स्ट है आपका प्रशिक्षण। ओके, प्रशिक्षण क्या है, तो प्रशिक्षण का अर्थ है किसी काम के विषय में व्यवसायिक व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना। वैसे यह शब्द क्या है, शिक्षण से बना हुआ है, परंतु शिक्षण में समान ज्ञान मिलता है, प्रशिक्षण में क्या है विशिष्ट ज्ञान देकर क्या है विशेषज्ञ बनाता है। ओके, ये दी हुई है डॉक्टर MP शर्मा के अनुसार, प्रशिक्षण वह प्रयत्न होता है जिसके द्वारा कर्ता अपनी क्षमता तथा अपनी प्रतिभा को बढ़ाता है, इसके साथ ही वह एक विशेष दिशा में अपनी प्रवृत्ति तथा उच्च भावना को क्या उत्पन्न करता है। ये सब आप जानते होंगे, जानते तो आप सब होंगे, लेकिन आपको किस तरीके से लिखना है ओके वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो आपको एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर प्रशिक्षण पूछा जा रहा, नियुक्तिकरण पूछा जा रहा, नियोजन पूछा जा रहा, संगठन पूछा जा रहा है, तो आपको किस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण से क्या आशा है। ओके, तो मनुष्य में गलती होना स्वाभाविक है, किंतु गलतियों को उचित नियंत्रण के माध्यम से न्यूनतम किया जा सकता है। ओके, ऐसा नहीं कोई भी मनुष्य है तो गलती ना करे, सब कोई गलती करता है, लेकिन क्या अपन कुछ जैसे को बहुत ज्यादा गलती ना करके कुछ नियंत्रण करके क्या है आप अपनी गलती को न्यूनतम मतलब कम कर सकते हो। ओके, नियंत्रण प्रबंधन का अंतिम शस्त्र है। ओके, बिना नियंत्रण के प्रबंधक को यह पता नहीं चलता कि सारा संगठन किस दिशा में जा रहा है। नियंत्रण वास्तव में वह शस्त्र है जिससे यह पता लगाया जाता है कि कार्य पहले से बनाई गई योजनाओं के अनुरूप चल रहा है अथवा नहीं चल रहा। ओके, मतलब जैसा सोचा है वैसा तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर वैसा नहीं चल रहा तो मतलब पक्का इसमें कुछ ना गड़बड़ी है, और गड़बड़ी को कैसे दूर किया जाएगा, नियंत्रण के द्वारा दूर किया जाएगा। ओके, अब क्या है, हेनरी फ्योल के अनुसार नियंत्रण क्या परिभाषा है। ओके, ये जरूर याद करिए, एक बार नियंत्रण के बारे में पूछा तो दो तीन लाइन तो आपको अपने से जैसे मैंने आपको बताया थ्योरी में इस प्रकार से लिखना है, फिर एक बात आप राइटर के अनुसार अच्छे से याद रखिएगा तो आपको फायदा मिलेगा, तुरंत ही आपको नंबर मिल जाएगा। तो हेनरी फ्योल के अनुसार नियंत्रण के अंतर्गत इस बात का जांच पड़ताल करने का प्रयास किया जाता है कि समस्त कार्य योजना के अनुसार चल रहा है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त दुर्बलताओं का पता लगाकर क्या है सुधारात्मक सुझाव देना भी इसका कार्य, ये होता है आपका नियंत्रण। ओके, फिर देख लेते हैं अपवाद द्वारा प्रबंध से क्या है, तो अपवाद द्वारा प्रबंध से क्या देख लेते हैं, तो अपवाद द्वारा प्रबंध का अर्थ है कि प्रबंधकों को सिर्फ उन्हीं स्थितियों व तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए जो है निर्धारित किए गए मानकों से महत्वपूर्ण विचलन और अपवाद के रूप में से उत्पन्न होता है। जैसे अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक का इतिहास काफी पुराना है, किंतु व्यवसाय क्षेत्र में इसकी पहचान क्या 19वीं शताब्दी के अंत में की गई थी। ओके, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट है वित्तीय प्रबंधन से क्या आशा है। ओके, या क्या तात्पर्य है, तो परिवार को क्या है उपलब्ध सभी प्रकार की आय वित्त के अंतर्गत आती है, जिसमें वेतन, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभांश, बोनस, सेवानिवृत्ति लाभ तथा अन्य प्रकार के सभी आर्थिक प्राप्तियां शामिल हैं। इन सभी प्रकार की आय का उपयोग करने के लिए योजना बनाना, नियंत्रण तथा मूल्यांकन का वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। वित्तीय मतलब पैसा, पैसे का प्रबंधन करना है आपका वित्तीय प्रबंधन। ओके, मतलब पैसे का प्रबंधन जितने जितने प्रकार के आपके ये होते हैं, जहाँ जहाँ पैसे खर्च होता है। ओके, वेतन से जहाँ जहाँ मिल रहा है, जहाँ खर्च हो रहा है, उसको अपन देखते हैं कि भाई मेरे पास कितनी आमदनी है, मेरा कितना खर्च हो रहा है, उसका हम जो क्या है उस हिसाब करते हैं, वही आपका क्या है पूरा एक प्रकार से वित्तीय प्रबंधन है। ओके, अब ये आपको पता तो है वित्तीय प्रबंधन क्या है, पेपर में किस प्रकार से लिखना है उसका थोड़ा आपको फॉर्मेट का पढ़ लीजिएगा तो आपसे समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका विज्ञापन से क्या है। ओके, एडवर्टाइजमेंट क्या है, आप जानते ही होंगे एडवर्टाइजमेंट अक्सर दिखते ही आप। ओके, लिखना किस प्रकार से उससे लिख लीजिए, दो से तीन लाइन आपको तैयार करना है, बाकी मैंने पूरा डिटेल से दे दिया, जैसे आप पढ़ते रहें पूरा समझ में आपको आ जाए। ओके, समझ में आ जाए फिर तो आपके अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। तो विज्ञापन का अर्थ होता है आधुनिक समय में आपका विज्ञापन का मीनिंग है आपका एडवर्टाइजमेंट। ओके, आधुनिक समय में विज्ञापन का समय है, विज्ञापन का शाब्दिक अर्थ बी धन ज्ञापन, अर्थात विशेष प्रकार का से बताना या जानकारी प्रदान करना। विज्ञापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं का ध्यान किसी वस्तु उत्पादन मतलब वस्तु विशेष की ओर क्या है इस भांति आकर्षित किया जाता है कि वह व्यक्ति उस वस्तु को खरीदने हेतु क्या है प्रेरित हो अथवा अंततः उसे क्या क्रय कर ले, मतलब उसमें क्या है लुभाते हैं अपन विज्ञापन के माध्यम से, क्या है आपने जो ग्राहक है उन्हें हम लुभाते हैं कि आप क्या है मेरी वस्तु का प्रयोग करें। ओके, तो विज्ञापन के अंदर ये तीन लाइन आपको लिख देनी है, आपका क्या है विज्ञापन हो जाएगा। बाकी ये पूरा समझाने के लिए दिया हुआ थ्योरी में पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता से क्या है, बिल्कुल आसान है। वह व्यक्ति या संस्था जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है, मतलब उपभोग करता है मतलब वस्तुओं को खरीदता है, सेवाओं को खरीदता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। ओके, ये हो जाती है उपभोक्ता की परिभाषा। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके दोस्तों, अभी तक तो सामने क्या वीडियो लाइक नहीं, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, साथ ही दोस्तों सामने क्या है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इससे क्या फायदा होगा तुरंत ही वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास तुरंत ही आ जाएगी। ओके, आगे देख लेते, आगे है इको मार्क स्कीम से क्या आशा है, तो पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की आसानी से पहचान करने के लिए
इको मार्क एक स्वैच्छिक लेबलिंग योजना है, लेबलिंग योजना ओके। इको मार्क भारतीय मानक ब्यूरो मतलब BIS द्वारा उन उत्पादकों को प्रमाणक चिन्ह के रूप में जारी किया जाता है जो क्या है BIS द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप क्या है पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित। तो ये आपका कहलाता है इको मार्क स्कीम ओके। आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रांड और एवं ट्रेडमार्क में दो अंतर देख लेते हैं। ब्रांड और ट्रेडमार्क में क्या अंतर होता है, यहाँ चार में अंतर दिए, चारों तैयार कर लिया। ब्रांड और ट्रेडमार्क में अंतर, पहले पंजीकरण के अनुसार ओके। तो इसमें क्या शब्द नाम चिन्ह या डिजाइनिंग का पंजीकरण नहीं कराया जाता ब्रांड में ओके। ट्रेडमार्क में क्या है, इसमें नाम शब्द चिन्ह डिजाइन कानून के अंतर्गत क्या पंजीकरण कराया जाता है। क्षेत्र के रूप में अगर देखें तो ब्रांड का एक क्षेत्र सीमित क्षेत्र में होता है और ट्रेडमार्क का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है ओके। ब्रांड में क्या सभी ब्रांड के ट्रेडमार्क नहीं होते, जबकि क्या है सभी ट्रेडमार्क क्या है ब्रांड होते हैं ओके। ये इस प्रकार से दिया। उपभोग के रूप में देखें तो ब्रांड का उपयोग क्या है कई निर्माता या कई विक्रेता कर सकते हैं, जबकि ट्रेडमार्क का उपयोग केवल एक ही निर्माता या विक्रेता कर सकता है ओके। ये आपका ब्रांड और ट्रेडमार्क आपका अंतर। बहुत ही आसान भाषा मैंने आप सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देने का प्रयास किया है ओके। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको सिलेक्ट कर रहा हूं, फिर उसके सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियो लाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग जरूर सपोर्ट करिएगा क्योंकि आपको पता है एमबी बोर्ड में कोई आपको नहीं पढ़ाएगा ओके। इसलिए क्या है मैं आपको प्रयास कर रहा हूं अच्छे बताने का समझाने का, तो जरूर लाइक करिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल साथ जुड़ जाएगा ओके। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, आपके बिजनेस स्टडी के जितने फ्रेंड है सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों उनका भी फायदा हो सके। साथ ही क्या है आपने अभी तक क्या है कोई अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा ओके। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।